नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मात्र एक तुलसी के पत्ते से स्त्री तुम्हारे प्यार में दीवानी बन जाएगी। अगर किसी स्त्री को अगर आप अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, किसी स्त्री को अपने मोहब्बत में अपने प्यार में उसे वशीभूत करना चाहते हैं, तो मात्र एक तुलसी के पत्ते से आप चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। ऐसी चमत्कारी उपाय कि अगर आप तुलसी के पत्ते से कर लेते हैं तो स्त्री पल पल जो है आपका प्यार में तड़पेगी। स्त्री पल पल आपका प्यार के बिना नहीं रह पाएगी। रात का नींद चैन और दिन का सारे कुछ उसका समाप्त हो जाएगा। वो दिन रात आपकी यादों में खोई हुई रहेगी। तो आखिर तुलसी के पत्ते से आप वशीकरण कैसे कर सकते हैं? सिर्फ मात्र एक तुलसी के पत्ते से आप उसे वशीभूत कैसे कर सकते हैं, मैं उसकी पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप वीडियो में आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां चामुंडा जरूर लिखे, ताकि माता चामुंडा की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बरसते रहे। मित्रों, आज जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूं, एक तुलसी के पत्ते को द्वारा किसी भी स्त्री को अपने मोहब्बत में कैसे दीवाना बना सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि छोटी छोटी बात को अगर आप दरकिनार कर दीजिएगा तो आपको बात को समझ में नहीं आ पाएगी और लास्ट में वो वशीकरण नहीं हो पाएगा। तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ में आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप टोने टोटके पर विश्वास रखते हैं, अगर आप पूरी तरह से इसको विश्वास में रख करके अगर किसी भी स्त्री को अपने मोहब्बत में दीवारा बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो मित्रों, आइए मैं बताने जा रहा हूं, एक तुलसी के पत्ते के द्वारा आप किसी भी स्त्री, किसी मन चाहे स्त्री को आप कैसे अपनी मोहब्बत में दीवारा बना सकते हैं, आप कैसे उससे वशीभूत करके आप उससे मन चाह काम को कैसे निकाल सकते हैं। तो मित्रों, ये क्रिया ये बहुत ही सटीक और बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, क्योंकि तुलसी का जो पौधे अगर घर के आंगन में अगर आपका रह जाता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा की बास होती है। तुलसी के पौधे पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की मायावी शक्ति की कृपा उसके अंदर में छिपी हुई है। तो भगवान विष्णु जो थे वशीकरण का सबसे बड़ा देवता थे और अपनी मायावी शक्ति के रूप से जो है कि किसी भी चीज को परिवर्तन कर सकते थे। तो आज मैं तुलसी के पत्ते के द्वारा ऐसी चमत्कारी वशीकरण, ऐसी शक्तिशाली महाशक्तिशाली वशीकरण करने का तरीका बताने जा रहा हूं। मित्रों, इस क्रिया को आपको सुबह सुबह 4 बजे यानी आपको रात को 3 बजे से लेकर 4 बजे के अंदर सूर्य उदय से पहले आपको इस क्रिया को करना है। करना क्या है, आपको सुबह सुबह नहा धो करके सफेद वस्त्र पहन करके, काला वस्त्र नहीं, सफेद कपड़ा या सफेद वस्त्र पहन करके आपको करना क्या है, एक तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके लाना है। तुलसी के पौधे से तोड़ना उसी समय है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में, यानी रात को 4 बजे से 5 बजे के अंदर, जब तक सूर्योदय नहीं हो, आप एक तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिएगा और तुलसी के पत्ते के ऊपर में आपको लाल रंग का मार्कर कलम से और नहीं तो आप कुमकुम से आप जो है उसके ऊपर में उस स्त्री का नाम आप लिख लीजिएगा। उस स्त्री का नाम जिसको आप मन चाहे स्त्री को आप प्यार करते हैं, वो स्त्री को आप अगर वशीभूत करना चाहते हैं, उसकी नाम को उस तुलसी के पत्ते पर आपको लिख लेना है। तुलसी पत्ते थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा जैसे नाम पूरी तरह से उसमें लिखा जाए। उसके बाद उसके ऊपर में आपको रखना एक पीस लौंग सामने में पूजा स्थान में रख करके, एक आपका तांबे का या पीतल का या चांदी का कोई भी कटोरी या प्लेट के ऊपर में आपको रखना है। रखने का उसमें एक लौंग रख देना है और 2-4 दाने उसमें चावल डाल दीजिएगा। रख करके सामने में धूप दीप अगरबत्ती जला करके 108 बार इस मंत्र को जाप करिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जाप करते समय में उस स्त्री का चेहरा आपको मन में हमेशा रखना पड़ेगा, उसको कल्पना करते रहना है उस स्त्री का चेहरा को,
कल्पना करके इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करिएगा, ताकि आपकी भावना उसके दिल में जाकर के पहुंच जाए, उसके मनमस्तिष्क में जाकर पहुंच जाए। उसके नाम लेकर के आपको इस मंत्र को जाप करना। मंत्र इस प्रकार है, ओम कामख्या भैरवि अमुकी माम अवश्यम वश्यम कुरु स्वाहा। ओम कामख्या भैरवि अमुकी माम अवश्यम वश्यम कुरु स्वाहा। ओम कामख्या भैरवि अमुकी माम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। 108 बार बोल करके जहां मैं अमुकी शब्द बता रहा हूं वहां पर उस स्त्री का नाम लेकर के 108 बार जाप कर लीजिएगा। और जाप करने के बाद लौंग चावल और तुलसी का पत्ता जो सब साथ में जो रखे थे वो सारे चीज को लेकर के आपको उसी जगह पर बैठ करके पूजा स्थान में बैठ करके चबा करके आपको खा लेना है, और ऊपर से एक गिलास पानी आपको पी लेना है। ऐसा क्रिया अगर 3 दिन कर देते हैं तो जीवन भर के लिए वो स्त्री आपकी गुलामी करेगी, जीवन भर के लिए वो स्त्री आपका मोहब्बत में तड़पते रहेगी, वो आपसे मिलने के लिए बेचैन रहेगी। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप जरूर प्रयोग करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रा।